वाहेगुरू जी की फतेह। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर से जो कल 26 जनवरी की परेड कढ़ी जानी आ उसके संबंध में अज इत किहो जिहा माहौल आ असीं वख वख जिहड़े आ किसान वीर आ नौजवान उन्हां नाल गलबात करन दी कोशिश कर रहे हैं तो एक बहुत बड़ा जिहड़ा जोश आ उह नौजवानां दे विच ते किसानां विच देखिया जा रहा है। तो साडे नाल वीर हाजिर ने पिंड रोड़का कला जिला जलंधर तो उन्हां तों जानने की कोशिश करते कल दीआं उन्हां दी की तैयारियां ने। हाँ जी भाई जी, सति श्री अकाल जी। सति श्री अकाल जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। किहो जिहियां तैयारियां कल दीआं जी? तैयारियां फुल आ भाई, एन ट्रैक्टर पूरे तैयार है, नौजवान भी तैयार पर तैयार आ, फौजां सारियां तैयार है, एन परेड बहुत वधिया तरीके नाल कढ़ी जाऊगी। परेड जिहड़ा जथेबंदियां ने दिता आपां नूं सुनेहा कल, वो क्योंकि 100 किलोमीटर का एरिया आ, बहुत टाइम हो सकता है उहदे वास्ते लंगर की पानी की ज बीबिया बजुर्ग आ उन्हां वास्ते तैयारियां वास्ते भी काफ़ी आपां नूं जिहड़ा सोचण की लोड़ हैगी उहदे वास्ते की तैयारियां ने? देखो ये जथेबंदियां की जिम्मेवारी आ ते उह वॉलंटियर लाउंदे भी हैगे आ ते क्योंकि जिहड़ी अपनी कल आर्मी की परेड भी है, चलो वह भी आ साडी परेड आ, वह तो 3-4 घंटे के खत्म हो जाऊ, तो मैं लगता 24 घंटे भी लग सकते परेड में, तो ये संबंध में जरूर कोई ना कोई जथेबंदियों ने किया होगा रास्ते कोई पानी का प्रबंध। वैसे तो मैं ये भी लगता भी दिल्ली की संगत ही इन्ना सहयोग करती है, कोई सानू करन दी लोड़ भी नहीं पैनी, जिस तरह कि हरियाणा ने किया ही पंजाब दा राशन लैके तुरे सके उन्होंने सानू खोलन भी नहीं दिता, तो ये मैनू तो जिते तो इदा ही लगता भी उन्होंने आपे ही सारा प्रबंध कर लेना, बाकी जथेबंदियां भी अपनी जिम्मेवारी बाखूबी ना निभा रही हैं जी। होर भी साढ़े नाल वीर हाजिर ने, इन्हां तों जानने की कोशिश करते हैं। हाँ जी भी, सति श्री अकाल जी। सति श्री अकाल जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। किहो जिहा माहौल आ ते की कहना चाहुंदे? देखो माहौल बहुत ही पॉजिटिव आ, असीं लगभग 15 दिन पहला भी रह के गए हैं, हुण दुबारा कल ही पहुँचे हैं, तो साडे वीर ट्रैक्टरों के ट्रालियां के जिहड़े नाल भी जथा साडा आ रहा, हजे काफ़ी रस्ते फसे भी हुए आते, उन्होंने लगातार साडा राबता जारी आ, तो रात तक सारिया ने पहुँच जाना आ, तो सवेर की परेड के सारे उन्होंने ज्वाइन करनगे। देखो अगे नारा हुंदा सी जय जवान जय किसान, इतिहास के पहली बार हो जा कि जवान तो परेड करते करते गणतंत्र दिवस से ऐतकी जय जवान के नाल जय किसान भी सच हो जा भी नाल लगता किसान भी परेड करनगे, कि एक वर्ल्ड लैवल से इतिहास सृजन जा रहा पंजाब का, नहीं पूरे इंडिया का किसान, कि अपने गणतंत्र दिवस के अपने हकों अपनिया मंगा उठा के ये बोली सरकार सुना के कि जेडे 3 काले कानून बनाए उन्होंने रद्द करन दे लई जिहड़ा ये मार्च कढ़िया जाना आ, तो सरकार तो वैसे लगता पहले ही बुखला गई आ, हजे कल परसों की गल आ कि साडे किसान आगूआं ते हमले करवाउण दीआं भी सरकार ट्राइया कोशिशां नाकाम कोशिशां कर रही आ, उहनां तों इह गल्लां तों सरकार की बुखलाहट जाहर हुंदी आ, ते मैनूं लगता कि साडी आ जिहड़ी परेड मार्च भी होणा इह तों लगता बाद असीं छेती जित हासिल कर लवांगे, मैनूं लगता छेती जी जित है इस परेड तो बाद हासिल होने उम्मीदा ने वो बन चुकिया ने। हाँ जी भीर जी, कहना चाहोगे जी? सति श्री अकाल जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। असं जी यही कहना चाहते हैं पहला सरकार ना 2-3 मीटिंग हो चुकी, 11 मीटिंग हो चुकिया टोटल, उन्होंने सरकार ने कोई भी हल नहीं हले तीन सानू दिता इस चीज़ का, असं यही चाहते हैं भी जो काले कानून ये मोदी सरकार लैके आ रही है वह सारे लोगों लोग मारू हैं, इन्हों रद्द किया जाए, इस रद्द करवाने के कानून के लिए कल जो 26 तरीक की परेड हो रही आ उस दे विच पूरे इंडिया के अलग अलग स्टेटा तो काफले आ रहे आ, पंजाब तो भी बहुत गिणती ट्रैक्टर आ रहे आ, कल की परेड हो रही है, तो उन्होंने असी शांतिपूर्वक साडिया जो जथेबंदियों का हुक्म आनू मन दे अकॉर्डिंग ही चलना आनू शांतिपूर्वक किया जाऊगा। सो जो कल परेड किसान परेड की जा रही है सारे किसान जथेबंदियों जितों अपील आ उत्थे लगभग हर नौजवान तो किसान के मन में भी ये चीज़ जी बैठ चुकी है कि जो कल का किसान परेड जी बिल्कुल जी शांतपूर्ण जी रहेगी। तो साढ़े नाल इस वेले हाजिर ने वीर जो कि फाजिलका जिले तो ने, उन्हों तो आप जानने की कोशिश करते कल दी किहो जिहियां तैयारियां ते किहो जिहा माहौल आ। हाँ जी वीर जी, वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। जी माहौल बहुत वधिया जी, जिवें सानू काल मिली है सारिया जथेबंदियों वालों, तो समुचे साढ़े कले नौजवानों के नहीं साढ़े बजुर्गों के भी बहुत जोश है, तो मैं अपील करना कि जेडे भी हाली घर बैठे ने लागे लागे है भी आ जाए, हाली पे ने कोई घंटे, तो बस शांतिपूर्ण चलना है जी, असी सानू जो निर्देश ने साढ़े तो कोई कोई करता भी है तो फिर भी शांति रखनी। मैं नौजवानों को फिर अपील करांगा कि अपनी जी जित है ना जी वो अपनी शांति नाल रहनी, जे जे कोई गड़बड़ हुंदी है तो फिर सरकार तो चाहती है कोई गड़बड़ होवे, कल भी उन्होंने आपके कोई नुमाइंदे भेजे
भावें वह किसी होर पार्टी के सी तो जिमें वो बिट्टू ललकारा मार के गया है कार च बहन लगे तो उस तो लगता है कि जिमें क्योंकि अपनी जी पावर बनती पई नहीं जी पावर इन यूटिलाइज इस तरह कर लीए तो चलो आप मैं कोई राजनीतिक गल नहीं करता पर आप अपने संघर्ष आपके हकल से लड़ सकते हैं ना इकट्ठे होकर तो कल जी परेड है जी वो आस तो वध ही होगी क्योंकि अपने को वेख लो तुम लगभग तुम सारे पास कवर करते ही आए जे कि किल्लिया के गड्डियां खड़िया ट्रैक्टर ट्रालियां खड़े हुए तो तोड़ इतों लगभग 35 किलोमीटर काफला है जी 6 लैनी सड़क है तो 5 बार्डर ने जी अपने सारिया इवें आ गए तो रब चढ़ती कला रखेगा तो बाकी अं रब अगे प्रार्थना करने कि वो वधिया ढंग नाल इस परेड नूं निपरे चढ़ावे तो ये जिहड़ी गुंगी बहरी सरकार दे कन्नां दे विच साड़ी आवाज़ पहुँचे इन्ना कहिंदा खिमा दा जाज कहिंदे संघर्ष शुरू होया सी पंजाब तों छोटे छोटे पिंडां चों कहिंदे किसान जथेबंदियां ने बहुत वड्डी घालना कीती आ सारा जिहड़ा पंजाब आ पहलां उन्हें एक इकट्ठ कीता फिर पूरे देश दीआं जथेबंदियां नूं एक जिहड़े मंच ते इकट्ठा कीता आ हुण तक जिहड़ी जथेबंदियां दी कारगुजारी आ उहनूं आपां किवें देखदे आ बड़ी तसल्लीपूर्ण कारगुजारी जी बड़ी वधिया उन्होंने जो एकजुटता विखाई है आपस दे विच पहला उदू बाद दे विच सारे देश दीआं जथेबंदियां नूं एक मंच ते इकट्ठा करके संयुक्त मोर्चा बना के तो सानू भी असी किसी जथेबंदियां नाल जुड़े हुए नहीं सी असी तां आम किसान हाँ तो पर असी चाहुंदे हां कि किसान यूनाइट होवे सारे देश दा तो ये जिहड़ी लड़ाई वो अपनी कल्ली किसानां दी लड़ाई नहीं हैगी जिहड़े लोग इंडस्ट्रीज ने भावें दुकानदार ने उन्हां दी हरेक ही जेब ते उन्हां दे रसोई दे उत्ते 10 तों 15 हज़ार का खर्चा पैण वाला जे ते जिहड़ियां छोटियां इंडस्ट्रियां ने ज लगभग खेती इंडस्ट्रियां दे लगभग 0% सारियां ही बंद हो जाणगियां जी टोटल कोई भी नहीं रहनी खेती आधारित इंडस्ट्री सारी बंद जिन्हें जी अपने कोटन मिलों ने शैलर ने राइस मिलों तो असी लड़ाई कल किसानों की नहीं लड़ रहे ना कल पंजाब हरियाणा उत्तरांचल ज उत्तर प्रदेश राजस्थान की असी लड़ाई लड़ रहे हैं सारे देश की तो मैं हरेक वर्ग में वर्ग वैसे साड़ी बड़ी सहायता भी कर रहे हैं हरेक वर्ग के जागरूकता वधीए तो सहायता भी कर रहे हैं तो मैं फिर अपील करना है कि वो साडा साथ देन सवेरे तो बाकी रब चढ़ती कला च रखेगा जी आप देखते हैं बहुत बड़ी तादाद एक तरह का पंजाब इतने वस चुका है आके पिछले जो पंजाब वो बहुत बड़ी तादाद लोग इतने घर भी बैठे पर उन्होंने मन के भी बलबले असी भी पहुंची इतने जो माहौल है तो जो पंजाब के बाकी पिछे जो लोग बैठे वो जो माहौल है ये जो फर्क है जो जो बनते साढ़े बलबले है उन्होंने आप कि जो देखते हैं मैं भी 15 दिनों तो बाद इतने अटेंड किया मोर्चे को तो मैं जो आपके बिस्तरे पा तो मेरे बच्चे भी छोटे छोटे मैं कहते डैडी तुम भी किसान हो तुम रजाई च पै जो मेरी आप जमीर मैं लांता पाँदी सी तो पर मैं कुछ रजेवियाँ करके नहीं आ सकिया तो मैं हूँ भी अपील कराँगा कि उन्होंने मनों के भी बलबले उठते हो चलो जो कोई साधन नहीं है फिर तुम आप ट्रेना राही किसी राही इतने पहुँचो कि जिनी तादाद अपनी इतने वधेगी जी उन्ना ही प्रैशर वधेगा गौरमेंट ते ते बस इन्ना कुछ कहने बस कल की जिहड़ी परेड है उहदे वास्ते किदां हौसले पूरे जवान ने बिल्कुल जी सवेरे साढ़े अज ही हुण साडी वलंटियरां की ड्यूटी लगन वाली जी असीं लाइनां च ला के सारे ट्रैक्टरां नूं ते बड़े संपूर्ण तरीके नाल बहुत वधिया तरीके नाल असीं चलाउण की कोशिश करांगे तो इहदे च मैं इह वी कहना चाहुंदा हां कि थोड़े आपदी तैयारी करके भी जाण क्योंकि टाइम लग सकदा है क्योंकि जिन्ना अपने कोल ट्रैक्टरां दा काफला पहुंचा है जिन्नी अपने कोल संगत पहुंची है तो वो ट्रैक्टरां करके वो मूव भी हौली हौली होएगी तो 24 घंटे भी 48 घंटे भी लग सकते 72 घंटे भी लग सकते हैं थोड़ी भी तैयारी करके भी जाना चाहिए कुछ ट्रालियां भी ना ले लो बीबिया नवाने ली कि जो बीबिया जानिया चाहदियां ने तो जो लंगर वाले जो पकाने वाले ने जिन्हें भी अपने संप्रदावान ने उन्होंने भी असं बेनती करके अगे आए हैं कि तुम पैकिंग करो उपराला कि जो पैकिंग हो सके नाल जाके तो नाल पानी दियाँ बोतलों वगैरह लेके जान सारे नौजवान तो बजुर्ग साढ़े तो रब मेहर करेगा जी साढ़े नाल गलबात करने थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद जी धन्यवाद जी ती जानकारी प्राप्त की आ कि कल का जिहड़ा किसान परेड होने जा रही है वो बहुत बड़ी इतिहासिक परेड होगी वो वास्ते एक इतिहासिक परेड आ बहुत बड़ा कदम है किसान जथेबंदी हुण शुरू किया गया तो वो वास्ते प्रबंध भी बहुत बड़े करने जिहड़े वो पै रहे जिथे 24 तों 48 तों 72 घंटे दे भी जिहड़ी परेड हो सकदी है क्योंकि बहुत बड़ा घट्टो घट 100 किलोमीटर का जिहड़ा ये एरिया है जिहड़ा इस परेड दे विच वो कवर किया जाना आ तो वो वास्ते प्रबंध भी बहुत बड़े किए जाने सो वह किसान जिन्हों कल अनपढ़ सरकार दसदी सी एडे वड्डे
वड्डे कदम एडे वड्डे वड्डे जिहड़ियां जथेबंदियां कदम उठा रही जिहड़ियां कि इतिहासक हो निभणगियां ते इतिहास दे विच इहनां दा जिहड़ा जिक्र आ उह सदा वास्ते शुमार हो जाएगा। तो साडे नाल गल करन वास्ते जिते इहनां दा धन्नवाद करदे आ, जिते कल दे जिहड़ा किसान परेड होण जा रही उहदे बाद शुभ इच्छावां भी असीं अपने चैनल वल्लों दिंदे आ। दविंदर सिंह खालसा दी सिंघू बार्डर तों इह विशेष रिपोर्ट।